हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी DIY चैनल पे। आज की DIY में मैं इस पुराने चौकी को टेबल को रिनोवेट करने वाली हूँ। ये मेरा बेटा इस चौकी को कभी कभी लिखने में, तो कभी ड्राइंग करने में, तो कभी कभी इस पे खाना भी खा लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे इसके लिए रिनोवेट कर दूँ। तो आइए शुरू करते। एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं और ये ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं पूरे जो है इसको स्पंज से कलर कर दूंगी। पूरी कलर कर देना है इसको। अब हम स्केल से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के इस तरह से बॉर्डर बना देंगे। और बीच में मैं इसमें कुछ लिखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। और यहाँ मैं लिखूँगी ड्रीम बिग, क्योंकि मैं ये अपने 5 साल के बेटे के लिए बना रही हूँ, तो उसे ये अच्छा लगेगा। अब बारी है इसमें कलर करने की। तो ये मैं एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ सारे। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले लीजिए, क्योंकि बच्चों को ना कलरफुल चीज़ें बड़ी पसंद आती है। तो मैं ये सारा उसको ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ और आई होप कि उसको अच्छा लगेगा। और अब मैंने ले ली है ये पेपर टेप और इस तरह से मैं पैटर्न बना रही हूँ। देखिए पूरा हो गया है। अब हम इस पर वाइट कर देंगे, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो मैंने इस पर हम वाइट कलर कर दिया है। कलर सूख गया है, अब टाइम है टेप को रिमूव करने का। तो इस तरह से सारी टेप्स को रिमूव कर देना है। और देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कलर आ गया है। आपको लग रहा है जहाँ पर फिनिशिंग, तो हम उसको फिर से फिनिश कर देंगे। और ये मैंने इस पर कॉटन बॉर्डर बना दी। अब टाइम है इसकी बॉर्डर्स को, मुझे कुछ खाली लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ और कलरफुल कर देती हूँ इस पर। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे ये फ्लावर्स बनाना शुरू कर दिए। आपको जो कलर अच्छे लगते हो, आपकी जो मर्जी हो, आप उन कलर्स के फ्लावर बना सकते हो और इसको कलरफुल बना सकते हो। अब मेरा जो बेटा है उसके आने का टाइम होने ही वाला है, तो मैं जल्दी से इसको कम्प्लीट करना चाह रही हूँ। और ये फ्लावर कंप्लीट करके मैंने जो सूखने रखा ही था कि मेरा बेटा आ गया और उसे ये इतना पसंद आया कि उसने इसको इस तरह से कर लिया। उसका रिएक्शन देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड ही स्टार्टेड थैंकिंग मी, थैंक यू मम्मा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये वार्निश ज़रूर कर देंगे इस पर, ताकि इसका कलर फेड ना हो। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। एंड तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप DIYing एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।